हेलो फ्रेंड्स, तो आज है 29 अगस्त और आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 जिसका आयोजन हो रहा है बुडापेस्ट हंगरी में, और हाल ही में नीरज चोपड़ा जिनका संबंध भाला फेंक से है उन्होंने गोल्ड पदक जीता है, और जो दूरी थी वो था 88.17 मीटर, और ये पहले भारतीय बन गए हैं जिन्होंने विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड पदक जीता है। सेकेंड पे हैं अरशद नदीम जो पाक के हैं, पाकिस्तान के हैं, और थर्ड पे हैं जैकब चेक गणराज्य के। हंगरी में घास के मैदान को पुस्तास कहा जाता है। टोक्यो ओलंपिक जो 2021 में हुआ था वहाँ पे भी नीरज चोपड़ा ने गोल्ड पदक जीता था। डायमंड लीग जो 2022 में हुआ था वहाँ पे भी नीरज चोपड़ा ने गोल्ड पदक जीता था। पेरिस ओलंपिक जो 2024 में होने वाला है, 33वां संस्करण है, इसमें नीरज चोपड़ा क्वालिफाई कर चुके हैं। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा क्योंकि इस दिन चंद्रयान 3 जो था वो लैंड हो गया था। लैंडर का जो नाम है वो है विक्रम, और जहाँ पे लैंड हुआ था उस पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट कहा जाएगा। पारुल चौधरी विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में 3000 मीटर में स्टीप चलेस में गोल्ड पदक जीते हैं, और इन्होंने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है और वर्ल्ड में इनकी रैंक 11th हो गया है। भारतीय पुरुष टीम 4x400 रिले में पहली बार फाइनल में पहुंचे हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, ब्राइट स्टार 2023 जो अभ्यास है ये इसका आयोजन हो रहा है काहिरा मिस्र में, और पहली बार भारतीय वायुसेना इसमें भाग लेने जा रही है। ये बहुपक्षीय अभ्यास है, 2 साल में 1 बार होता है। भारत की तरफ से मिग और C-17 विमान भाग ले रहा है। COP 27 ये हुआ था शर्म अल शेख इजिप्ट में। कॉप का जो संगठन है वो UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसकी स्थापना हुआ था 1994 में, हेडक्वार्टर बान जर्मनी में है। COP 28 होगा UAE में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिम्बाब्वे के जो नए राष्ट्रपति हैं वो बने हैं अभी हाल ही में एमर्सन मनांगवा, जो इनका दूसरा कार्यकाल है, और इनकी जो आयु है वो है 80 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिम्बाब्वे के जो नए राष्ट्रपति बने वो हैं एमर्सन मनांगवा जिनका दूसरा कार्यकाल है, वह आयु जो है इनका 80 वर्ष। जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति है कैटलिन नोवाक। इसराइल के प्रधानमंत्री हैं वो है अभी प्रेजेंट में बेंजामिन नेतन्याहू। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं अभी क्रिस हिपकिंस। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है वो है जॉर्जियो मेलोनी। होडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति हैं सियामारो कास्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2023 का पहला भारतीय यूनिकॉर्न बनने वाला पहला स्टार्टअप है जेप्टो, जिसका कार्य है ऑनलाइन किराना को डिलीवरी करना, और इसका जो अभी वैल्यूएशन है वो है $1.4 बिलियन। ये 10 मिनट में डिलीवरी करता है। जेप्टो की स्थापना किया था आदित्य और केवल्य ने। स्टार्टअप का जो बड़ा रूप है उसी को यूनिकॉर्न कहता है, और जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन हो जाता है वो कंपनी जो है वो यूनिकॉर्न में बदल जाती है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। इंडिपेंडेंस के जो ब्रांड है वो है रिलायंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहली बार कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव का जो आयोजन है वो श्रीलंका में हो रहा है, और इसमें भारत की तरफ से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक परिषद हिस्सा लेने वाली है, और श्रीलंका की तरफ से स्वामी विवेकानंद केंद्र जो कोलंबो में स्थित है वो इसमें हिस्सा ले रही है। कैंटी परिहारो महोत्सव ये भी श्रीलंका में मनाया जा रहा है। श्रीलंका के दंत विशेष जो मंदिर है वहाँ पे इसका आयोजन किया गया। केर पूजा ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। बोनालो उत्सव तेलंगाना में। हेमिस उत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। खारजी पूजा त्रिपुरा में। सिंथन स्नो फेस्टिवल जम्मू और कश्मीर में मनाया जाता है। शियांग उनिंग महोत्सव ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। भूमचुम महोत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। चेरा महोत्सव छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है।